टकसाली गेट है क्या? टकसाली गेट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हीरा मंडी की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल की बात करें तो वहाँ पे फिर कैरेक्टर्स रह ही क्या जाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? यार मेरे ख्याल में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो, आपका आना जाना होगा। मैं तो क्या नहीं, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे रसमलाई खाने। अच्छा, और ये तो वो है जो आप जो डीवीडी के पीछे नहीं, ये वो वाली डिस्क्रिप्शन ही हम बताते हैं, ताकि 16 फरवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, आप जरूर देखें जी, जरूर देखें। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल सिर्फ एक ही कंटेंट मिलता है और वो है टकसाली गेट। मेरे साथ अब्दुल हाई मौजूद है। अब्दुल हाई, क्या आप बताएं, आपने टकसाली गेट का ट्रेलर देखा है? बिल्कुल, मैंने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर कमाल किस्म का है, बोल्ड मजेदार किस्म भाई की का। जो बोल्ड एक्टिंग है तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, और आयशा उमर ने जो चार चांद लगाए हैं वो तो क्या ही बात है। और मैंने देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ 16 फरवरी को ये जब फिल्म आएगी तो लोग जाएंगे भी, देखेंगे भी, बेशक तनकीद करें, लेकिन उसमें जो चीजें और एक्टिंग है ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो हजम नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते इस तरह के बोल्ड किरदारों को और इस तरह के बोल्ड कंटेंट को, लेकिन कोशिश यही होगी एक्टिंग से ही वो जीत लेंगे। हाय, 16 फरवरी अभी थोड़ी सी दूर है, तो क्यों ना आवाम को उससे पहले किसी एक ऐसे सितारे से मिलवा दिया जाए, जरा हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाए और टकसाली गेट के बारे में थोड़ी बात भी हो जाए, क्या कहते हैं? मिलवाना चाहिए, हमारे साथ हैं यासिर हुसैन साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है सबसे पहले आपसे कि ये टकसाली गेट है क्या, इसका वीएन क्या है, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है जो आप लोगों ने सोच के बनाई और फिर सारा चीज़ें सब ज़रा एक्सप्लेन तो करें लोगों को। टकसाली गेट लाहौर का इलाका है जैसे आप जानते हैं, बहुत कदीम, और वहाँ पे रहने वालों की ये कहानी है। ठीक है, और कहानी बड़ी नेचुरल सी है, बड़ी ऑर्गेनिक है, आपको ट्रेलर से अंदाज़ा हो गया होगा, और उसमें वही बातें हो रही हैं जो हम जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो हमें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, हम बाज़ार जाते हैं तो हमें सुनने को मिलती हैं, या आप कभी अंदरून जाएँ तो आपको सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ एक्टर्स हैं टीवी के या फिल्म के जो एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा ये वही लोग हैं। ठीक है, तो उनके अंदर की कहानी है, और हमने कोशिश की है कि एक्टिंग को भी और डायलॉग्स को भी इतना नेचुरल रखें कि वो लगे ना कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नए किस्म का सिनेमा देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, इतनी बड़ी मतलब आप लोगों की कास्ट है इसमें, एलिफेंट्स हैं, गैंडास, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें आपको एक तो अदाकार बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, मतलब बाबर अली साहब हैं, नैयर जाज साहब हैं, आयशा उमर हैं, मेहरबानो हैं, शहरयार चीमा हैं। एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी मिलेगी, फिर स्क्रिप्ट बहुत ही तगड़ा स्क्रिप्ट है। तो यासिर साहब, ये थॉट आई कहां से थी कि ये मूवी हम बना रहे हैं, कहां से थॉट? ये जी जो हमारे डायरेक्टर राइटर हैं अबू अलीहा, उनका आइडिया था, और शबीर शाह जो प्रोड्यूसर हैं इसके, बैरिस्टर शबीर शाह, उन्होंने प्रोड्यूस किया इसको, और आयशा उमर और वकास रिजवी इसके प्रोड्यूसर्स हैं। तो बस मुझे तो कॉल आई थी, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आया और मैंने हाँ कर दी। अच्छा, और मैं बस इसका पार्ट बन गया। मेरा कुछ बहुत ज़्यादा सोचा क्या था जब आपने ये कहा कॉल आई और मैंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, तो क्या सोच आई थी उस टाइम पे? चैलेंजिंग रोल था थे या करेक्टर पसंद? नहीं, पैसे तो मैं सबसे आखिर में पैसों की बात करता हूँ। सबसे पहले स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट अगर अच्छा है और आप डायरेक्टर को ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर कोई चैलेंजिंग रोल हो तो बस मैं हाँ कर देता हूँ, फिर वो चाहे किसी भी मीडियम में हो, थिएटर हो या टीवी हो। जावेद इकबाल की बात कर लेते हैं, जिस तरह आप इस तरह के करेक्टर्स करते रहे हैं और वो फिर बैन भी हो गई, और उसके अलावा भी आप इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? और फिर ये बैन हो जाती है तो ये नहीं लगता कि ये बोल्ड कॉन्टेंट, ये भी इस तरह की बोल्ड एक मूवी होगी टकसाली गेट? देखिए, ये सच्ची मूवी है, बोल्ड तो वो फिल्म भी नहीं थी। ठीक है, बस वो जो कैरेक्टर था जावेद इकबाल, वो हमारे माशरे का एक कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर बना दिया था उसे, जिसकी वजह से वो फिल्म बैन हो गई, मगर वो कोई इतनी बोल्ड फिल्म नहीं थी। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान से अवार्ड मिला उस फिल्म से? पाकिस्तान से तो कोई नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड से मिला था एक अवार्ड। अच्छा, पाकिस्तानियों ने नहीं दिया? पाकिस्तानी कहाँ देते हैं कुछ। अच्छा, ये बोल्ड करेक्टर है इतना, आपका पिम्प का करेक्टर है बिल्कुल ऐसे ही, तो ये चूज करना एक अदाकार के लिए कि यार मैं ये किरदार निभाऊं, ये कितना मुश्किल होता है? और देखिए, टकसाली गेट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हीरा मंडी की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और वहाँ पे बाजार हुसन की बात करें तो वहाँ पे फिर कैरेक्टर्स रह ही क्या जाते हैं? ठीक है, बहुत कम कैरेक्टर रह जाते हैं, लेकिन कोई इसकी वजह से, ये कैरेक्टर निभाने की वजह से आप फिल्म में या ड्रामा तो आप कर ही नहीं रहे काफी अर्से से, तो अब फिल्म वाली साइड पे आ रहे हैं, तो कोई आप पे एक छाप जिसे कहते हैं वो तो नहीं लग जाती?
कि इस तरह के रोल्स ही करता है, ऑडियंस के नेगेटिविटी भी देखा। नैयर एजाज साहब की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी विलन के किरदार ही किए हमेशा। देखिए एक जमाना था इसमें शफकत चीमा साहब के बेटे हैं शेरियाज चीमा, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे वैसे तो, कि जैसे उनके वालिद साहब पे एक विलन की छाप थी। जी वो छाप ऐसे होती है कि एक्टर खुद चूज करता है वो कैरेक्टर्स। अच्छा उसको ऑफर तो हो रहे होते हैं मगर वो चूज भी कर रहा होता है ना, ठीक है, वो खुद कर रहा होता है, यानी कि उसको मजा आ रहा होता है। अच्छा शफकत चीमा साहब ने बहुत पजीराई हासिल की है दुनिया भर में, बहुत इज्जत कमाई है अपने इन कैरेक्टर्स की वजह से और बहुत वैरायटी दी है उन कैरेक्टर्स में, इसलिए वो इतना अरसा तक यही कैरेक्टर्स कर सके। मुझे अगर आप कह रहे हैं कि ये इस तरह कैरेक्टर्स की छाप लग जाती है, आई डोंट थिंक सो। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आपका एक और ये इसमें मेरा कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, जावेद इकबाल एक नेगेटिव कैरेक्टर था, ये पॉजिटिव है। तो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स करते रहे हाँ तो, और अगर आप बेहतर एक्टर हैं और पिछले कैरेक्टर की छाप नहीं है आपके अगले रोल में तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ टीवी में होता है लोगों के साथ वो एक ऐसा कैरेक्टर करते हैं जो पूरी जिंदगी के लिए उनके साथ जुड़ जाता है, जिस तरह भोला जी हैं और भी इस तरह के। यासी साहब ये बताइएगा कि जैसे इंडिया में संजय लीला भंसाली कहते हैं कि हीरा मंडी जो है वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हम अगर आप ये मूवी में कास्ट हुए हैं तो इसका नेम जो है वो ये क्यों टक्साली गेट ही क्यों, हमने क्यों नहीं हीरा मंडी ही डायरेक्ट नेम रखे या हमने ये नेम क्यों? देखिए क्योंकि ये कहानी हीरा मंडी की नहीं है, ठीक है, टक्साली एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें हीरा मंडी भी एक गली है, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये टक्साली में रहने वाले वाली एक लड़की की कहानी है या एक फैमिली की कहानी है, हम लोग टक्साली में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सबका प्रोफेशन ये हो, उधर ऐसा नॉर्मल लोग भी रहते हैं। अच्छा वो भी नॉर्मली लोग होते हैं बेचारे, ऑब्वियसली बस उनका प्रोफेशन ये वाला होता है। तो वो कहानी इस तरह से है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरह ये पोर्ट्रे किया जाता है, नेगेटिव ही दिखाया जाता है इन लोगों को, बुरा भला ही दिखाया जाता है। असल में आपने काम भी किया है तो क्या डिफरेंस है इनमें कि असल में भी ये इस तरह बुरे ही हैं या नॉर्मल जिस तरह आपने पहले जिक्र किया नॉर्मल ही लोग हैं? यार मेरे ख्याल में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो, आपका आना जाना होगा, मैं तो क्या उसने पक्का कर दिया था जाता ही होगा। नहीं मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे रसमलाई खाने। रसमलाई आपने किसका नाम? मेरे काफी सीन्स बहुत मजे के हैं इसमें। एक तो मेरे भाई के साथ जो हमारा लास्ट सीन है फिल्म का नैयर एजाज साहब के साथ, वो बहुत मजे का सीन है। फिर एक मेरा उमर आलम शहरयार आयशा नैयर साहब और मेहरबानों का एक सीन है। अच्छा काफी बड़ा सीन है, ठीक है, बारिश में वो सीन बहुत अच्छा है। फिर मेरा और आयशा का बारिश में था ना? हाँ जी। अच्छा क्या और वो सीरियस सीन है? अच्छा बारिश में सीरियस हो गए? हाँ बारिश में सीरियस हो गए थे, बल्कि हम सीरियस हुए तो बारिश हो गई। ये तो क्या बात हो गई, हम सीरियस हुए तो किसी ने खट्टा खट्टा रो होता साडे। और एक सीन बहुत अच्छा मेरा और आयशा उमर का बेड पे, जिसका पोस्टर भी आप देख रहे हैं जो ट्रेलर में भी, हाँ हम एक सिगरेट शेयर कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कैसा लगा? मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। ऐसा इसमें जो हमारी आयशा उमर और मेहरबानो हैं, इनके बड़े बोल्ड कैरेक्टर्स हैं, तो आपने इनके साथ ऑब्वियसली शूट किया तो इनको बिल्कुल, बेचारी मेहरबानो का तो बिल्कुल बोल्ड कैरेक्टर नहीं है, नैयर जहाज साहब का बिल्कुल बोल्ड कैरेक्टर है, बहुत सादे ढोलकी वाले बेसिकली। मैं और मेरा भाई जो है हम मिरासी हैं इसके अंदर, ठीक है, इस फिल्म में। हाँ जी उसका आपका एक डायलॉग है कि आप तुसी ढोलकी बजांदे हो, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने भाई के साथ ना जाता नहीं है शादियों में क्योंकि पैसे नहीं मिलते, बस सिर्फ थोड़ा सा खाना मिल जाता है, ठीक है। तो वो उसने फील्ड चेंज की है, वो खानदानी तौर पे ये है गाने बजाने वाले, लेकिन अब चूंकि उनका कोई ज्यादा काम रह नहीं गया तो बस शादियों पे वो भाई जाके जो है ना वो वेले वगैरह लूट लेते हैं, ठीक, तो उसमें से कुछ पैसे मिल जाते हैं उनको, 10-10 रुपए वाले नोट। तो ये भाई वो काम नहीं कर रहा तो ये जो है इस तरफ आ गया क्योंकि इसकी जो लव इंटरेस्ट है वो आयशा में,
ये तो वो है जो आप जो डीवीडी के पीछे ये वो वाली डिस्क्रिप्शन ही हम बताते हैं, ताकि 16 फरवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, आप जरूर देखें जी, जरूर देखें, और पाकिस्तानी सिनेमा को तो सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल टिकट सभी से बुक करा लें, फिर कहिएगा हमने बताया के लिए जाए, आपको एंटरटेन करने के लिए जाए, बिल्कुल। अच्छा, आपका जो आगाज था थिएटर से था, थिएटर से फिल्म तक का सफर, ये कितना मुश्किल था? मैंने थिएटर के बाद फिल्म की थी, जो कि नॉर्मली होता है बाहर भी, थिएटर के बाद लोग अमूमन फिल्म ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीवी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो मैंने टीवी भी करके देखा, बट मुझे इतना मजा नहीं आया। क्या वजह है? छोटा मीडियम है, अच्छा, लाइक क्लोज का मीडियम है, थिएटर या फिल्म दोनों में आप पूरे नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है ना, तो आपको पूरा भी दिखाएं तो आप बड़े ही नजर आ रहे हैं। टीवी पे आपको सॉलिड रीजन थी आपकी के आप फिल्म नहीं, उसके अलावा कैरेक्टर्स भी आपको फिल्म में जो करने को मिलते हैं वो टीवी में नहीं मिलते। टीवी में एक खास किस्म का लड़का होता है, जो हीरो होता है वो खास तरह से बोलता है, और उसके वही गिने चुने मसाइल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे उसका जो टकराव है ना, क्या मसाइल है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में, क्या क्या मसाइल आप देखते हैं कि जो सेम आप रशिया से? नहीं, वैसे आप इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा काम करते हैं, मतलब आपको ज्यादा पता होता है यार, मसाइल वही है कि जी वो मेनस्ट्रीम मीडिया है ना, न्यूज मीडिया है हमारा एंटरटेनमेंट यार, आप तो एंटरटेनमेंट के हो यार, टीवी सीज करता हूँ, लेकिन मेरा मेनली तो यही है ना यार, आपके दिनों में मुझे टीवी ड्रामों में नजर आएंगे हमारे एंकर को ही, ये मुझे लगता है हाथों से ले लिया, चांस मिलने वाला यासिर भाई, नहीं मैं तो अभी बहुत लूज बॉल्स जाने दे रहा हूँ, ये तो ये वो ना हो जाए जो मैग्रा के साथ रजाक ने किया नहीं नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा बताएं ना यार, पाकिस्तानी ड्रामों में अमूमन ये होता है ना कि अम्मी मैं आ गया हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, आप खाना बना दें वो वाले टाइप डायलॉग्स और सिंपल टिपिकल स्टोरीज और कैरेक्टर एक्टिंग, आपको बेसिक ये आप कहना चाह रहे हैं, कैरेक्टर नहीं बनाए जाते हो ना उसमें, बस ये होता है कि आप जैसे मैंने अभी बाल बनाए हुए ना, ऐसे बाल बना के मैं ड्रामे में आ जाता हूँ, ठीक है, और फिल्म में आप मेरा लुक बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस ये फर्क है। वैसे भी आपकी जो पर्सनालिटी ना, ओवरऑल अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखें तो आप थोड़ा सा हटके ही चल रहे होते हैं, आपकी ओपिनियन भी थोड़ी सी हटके होती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ऑडियंस की वो यू नो रिटेंशन का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ता है, जैसे वो मैंने एक दफ़ा आपका वो अर्तरुल वाला भी पार्ट देखा था, उस पर फिर लोगों ने काफ़ी, तो कभी इस चीज़ से आपको वो नेगेटिव कॉमेंट्स पढ़ के और वो ये चीज़ें, क्योंकि ओपिनियन तो अपना होता है, मेरा भी अपना ऑब्वियसली ओपिनियन है, कोई मुझे कहेगा तुम गलत हो, मैं कहूँगी मैं अपने पर्सपेक्टिव में ठीक हूँ, हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव में मैं गलत हूँ, तो वो नेगेटिव कॉमेंट्स और नेगेटिव फीडबैक से कभी वो कोई काम में फर्क आता? नहीं नहीं, जैसे मेरा ओपिनियन है लोगों का भी है तो मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूं। हाँ, मतलब उसकी वजह से कभी ये नहीं होता कि नहीं यार मैं अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे क्यों इतना ओपन नहीं कह देता हूं या कुछ भी। नहीं, वैसे वो सोशल मीडिया पे ओपनली बड़ी चीजें कह देते हैं, आई नो, इसीलिए वायरल भी रहते हैं, नजर भी आते रहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, अपना ओपिनियन रखना चाहिए सामने, अगर बात हो रही है और एक प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए तो व्हाई नॉट अपनी बात करें, सही, कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आयशा उमर खूबसूरत के नाम से ज्यादा मशहूर है, बेशक हैं भी, तो अब इस फिल्म के बाद कोई नाम डलेगा उनका, अगर कोई आपके माइंड में हो कोई कि ये नाम डल सकता है यार? आयशा उमर खूबसूरत ही है मेरे लिए तो, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, ठीक है। इकरा ने जी ने भी देखना है ये इंटरव्यू, इकरा भी यही कहती है कि आयशा उमर बहुत स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत है, नाइस, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन एक फिल्म की वो उसके बाद अगर आप देखें ना कि जिस तरह देखा कैसे मैंने कवर किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ऐसे वेल लेफ्ट, वही देख रहा था कि आप कमाल किस्म का कवर कर रहे हैं, क्योंकि बंदा ना कवर करने की नौबत आ जाती है एक अरसे बाद कवर करने लग जाता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसी पेज में आने की, लेकिन इस फिल्म के बाद कोई नाम डलेगा आयशा उमर का? जैसा खूबसूरत एक टैग है ना, उस तरह से खूबसूरत नाम मैं बताता हूँ, जैसे आप पहले कह रहे थे ना कि वो फिर छाप बन जाती है, वो तब बनती है जब आप एक चीज को करते रहे मुसलसल, अगर जैसे मुझे मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया ड्रामे में, उसके बाद मुझे दोबारा एक ड्रामा ऑफर हुआ बांदी के बाद बादशाह बेगम, उसमें भी नेगेटिव था बट वो बहुत अलग था, बहुत स्ट्रांग था, मैंने वो कर लिया, फिर तीसरा भी मुझे हुआ, मैंने नहीं किया, अगर मैं तीसरा भी करता तो फिर छाप लग जाती, समझ रहे? मुझे एक मूवी मैंने की कराची से लाहौर, कॉमेडी थी, दूसरी लाहौर से आगे वो उसी का सीक्वल था, तीसरी जब मुझे ऑफर हुई उससे सिमिलर रोल था, मैंने नहीं किया वो, अच्छा, और मैंने वो छोड़ के मैंने जावेद इकबाल की, तो वो कॉमेडी की छाप नहीं लगी। इसी तरह खूबसूरत जो है ना, वो इसलिए क्योंकि वो 11 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उनका नाम खूबसूरत पड़ गया,
ये फिल्म उन्होंने की है, नेक्स्ट वो कुछ और करेंगी, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, कराची से लाहौर सबा कमर के साथ आपने? जी, लाहौर से। लाहौर से कराची से लाहौर आयशा के साथ। तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए निभाना? वो कितनी देर प्रैक्टिस की? वो करना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसकी डबिंग करना मुश्किल था। अच्छा, उसकी डबिंग भी की फिर आपने बाद में? बिल्कुल। तो डबिंग जो है ना, वैसे ही पॉजेस डबिंग में लाना एक्सप्रेशंस के साथ, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे से ज्यादा मुश्किल सबा को पेश आई थी, क्योंकि हम दोनों के आमने सामने खड़े होकर डायलॉग्स थे, तो सबा को ये पता नहीं चलता था कि मैं कितनी देर में अपना जुमला खत्म करूंगा। वो पहले ही बोलने लग जाती नहीं, वो तो बहुत पक्की एक्ट्रेस हैं, तो उनको ये नहीं था कि पहले बोलने लग जाती, मगर उनको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता था कि कब ये जुमला खत्म हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं कब जुमला खत्म करूंगा, क्योंकि वो कितनी देर हकलाना है तो आपको नहीं आइडिया होता, वो नेचुरल बनाने के लिए। वो तो फिल्म खत्म होगी, शूट खत्म होगी, उसके बाद आदत तो नहीं पड़ेगी? कुछ अर्से तक रही, रही ना? हाँ, कुछ अर्से तक रही, उसके बाद फिर खत्म हो गई। अभी तक का आपका जो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? अभी तो टकसाली। टकसाली, वेरी नाइस। और सबसे ज्यादा मेरा ऑल टाइम फेवरेट आई थिंक जो कैरेक्टर मैंने किया वो जावेद इकबाल। ओह नाइस। तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया, एक्ट्रेस भी और एक्टर भी? सबसे ज्यादा मजा आई थिंक एक्ट्रेस अगर कहें तो मुझे, अच्छा फिल्म में मेरी यहाँ पे भी आप आयशा के साथ है। सोचना पड़ा सबा के साथ, सोच में चले गए। सबा के साथ बहुत मजा आया फिल्म करने का, लेकिन वैसे मैंने सोनिया हुसैन के साथ बहुत टेली फिल्म्स की हैं, मुझे उसका भी बहुत मजा आता है सोनिया के साथ काम करके। और एक्टर? एक्टर आई थिंक मुझे मैंने भी लूज बॉल छोड़ी है, नैयर एजाज। हाँ, नहीं छोड़नी चाहिए, मैंने कहा नहीं, तो हो गई। नैयर एजाज साहब और उमर के साथ बड़ा मजा आया मुझे। हाँ, वेरी नाइस। तो आप माशाल्लाह, आपके घर में आपकी वाइफ भी माशाल्लाह एक्ट्रेस हैं, आप खुद भी एक्टर हैं? ना करें कर लिया तो हो गया सर। तो आपके घर में ये मीडिया से रिलेटेड और ड्रामा से रिलेटेड ही बातें होती हैं, ये ना डाइनिंग पे बैठे यही बात नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं? ड्रामे तो नहीं देखता, फिल्में देखता हूँ। अच्छा, इधर पाकिस्तानी? पाकिस्तानी फिल्में भी देखता हूँ, इंडियन और हॉलीवुड भी देखता हूँ। और हॉलीवुड और अगर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो क्या फ़र्क देखते हैं इधर के मीडिया में और उधर के बॉलीवुड के इंडस्ट्री? अंग्रेजी का फर्क है? नहीं नहीं, और भी फर्क है। इंडस्ट्री इकॉनमी वो उस पर चला रहे हैं, मतलब इस एंगल में? इकॉनमी तो उस पर नहीं चला रहे, खैर से बहुत बड़ी इकॉनमी उनकी, लेकिन आई थिंक उन्होंने उसकी वजह से, अपनी इंडस्ट्री की वजह से दुनिया में अपना नाम बहुत बनाया। बहुत सारे मुल्कों में अमेरिका को हॉलीवुड की वजह से जाना चाहता है, या इंडिया को बॉलीवुड की वजह से जाना चाहता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम भी अपनी इंडस्ट्री को इस तरह ही एज अ टूल यूज करें। तो बॉलीवुड तो हमारी सेम जबान ही है, हम जैसे ही लोग हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर वो क्यों इतना आगे है और हमारी पाकिस्तानी सिनेमा क्यों इस तरह? क्योंकि वो इस बहस से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये काम है, एक इंडस्ट्री है, और वो उसे उसी नज़र से देखते हैं। लोगों के बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो फैसला कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। आई थिंक हमारे स्टूडियो में जितने लोग यहाँ DOPs या मेकअप आर्टिस्ट या लोग हैं, उन्होंने कभी बचपन में ये नहीं सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर DOP बनूंगा, क्योंकि ये ना इजाज़त थी ना उन्हें इस बात का पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं DOP बन जाऊँ। ये तो कोई और काम में आए होंगे, फिर कुछ और करते 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 DOP बन गए, या मेकअप आर्टिस्ट बन गए, या कुछ और बन गए, या होस्ट बन गए, या एक्टर बन गए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे। ये तो कोई निकल जाता है, कई लोगों के तो खानदान में लोग नाराज हो जाते हैं कि आपका बच्चा ये क्यों करता है। फिर जब जरा सी उसको फेम मिलती है तो फिर उसे शादियों में भी बुलाते हैं। तो हम अभी तक इस दिमाग माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे कि ये है सही काम या नहीं है। तो जिस दिन हम इससे बाहर निकल आएंगे, हम शायद थोड़ा बेहतर हो जाएंगे इस काम। अच्छा, इसी में अब आपकी बात से मुझे टकसाली गेट फिर से मूवी, जो हमारा आज का हॉट टॉपिक है, हमारी जो इसमें स्टोरी है, ऑब्वियसली हमने उनकी लाइफ का एक शेड दिखाया जो शायद हम और आप अनअवेयर हैं उस लाइफ सिनेरियो से, उस कल्चर से। देखिए, टकसाली गेट को तो एज लोकेशन हमने यूज किया। मे बी ये कहानी कराची की किसी गली की भी हो सकती थी। मैं जो बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अगर किसी गरीब और ऐसे इंसान के साथ जो प्रिविलेज नहीं है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं है इस मूवी में। वो कितना उसे ख्वार होना पड़ता है सिर्फ अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, या इंसाफ लेने के लिए, या किसी और चीज के लिए उसे 100-100 जगह घूमना पड़ता है। तो इस बारे में भी ये कहानी स्टेटस को भी ये दिखाते हैं, चैलेंज करते हैं। उसके अलावा कंसेंट पे बात हो रही है इसके अंदर,
ये लड़की का ना कहना कितना या उसको समझना कितना जरूरी है, इस बारे में भी बात हो रही है, लोगों के माइंडसेट के बारे में बात हो रही है, उस इलाके में रहने वाले लोगों के माइंडसेट के बारे में बात हो रही है। तो मतलब इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को आप लोग कवर कर रहे हैं, बिल्कुल एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं। बेसिकली तो ये एंटरटेनिंग मूवी है क्योंकि ये क्राइम थ्रिलर है, ये सब तो इसके छोटे छोटे क्या कहेंगे इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये क्राइम थ्रिलर है जो कि जिसकी वजह से लोग इसको देखेंगे। अच्छा, शूट के दौरान कोई ऐसा वाक्य जो याद हो, जो आप लोग इतनी तो कास्ट बड़ी कास्ट थी, शुगर मेले भी होते रहे होंगे, कुछ याद हो? ये बहुत सारे ऐसे वाक्यात, जैसे एक वाक्य था कि वो जो 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 बेड वाला सीन आप लोगों ने देखा जी, पोस्टर जो देखा, उसमें मैं आयशा को कोई ऐसी बात कर देता हूँ कि वो उनको आग लग जाती है, तो मुझे लात मारती है जोर से गिराने के लिए। अब मेरा वेट आप देख रहे हैं और आयशा का आप कितनी लग गई होगी, मतलब सोचें कि ऐसे कि वो हिरन हाथी को लगा रहे। तो आयशा ने मुझे आयशा ने मुझे एक लात मारी और वो आयशा की कमर में चुक पड़ गई उससे। ओह माय गॉड, तो वो सर्वाइकल वाला पूरा सीन हो गया गर्दन से लेके और नीचे कमर तक, और वो उसके बाद वो बेचारी से काम ना हुआ, बहुत मुश्किल हुई। शूट डिले हुआ? शूट डिले तो इस वजह से हुआ क्योंकि फिर उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट आते थे सेट पे और बेचारी फिजियो चलती थी, पहले फिजियो और फिर देन एक्टिंग जी, और सर्दियां भी थी तो उसके कपड़े जो हैं वो नॉर्मल लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती हैं शलवार कमीजें वो थी, सर्दी में ऊपर से दर्द तो बहुत पेन उसने उठाई। और यही मेरे साथ हुआ था लाहौर से आगे में, एक सीन था जिसमें मैं सबा को अपने पिड्डी पे बिठा के और उस पर भागता हूँ ब्रिज पे, सबा ने कहा कि यार ये क्यों मुझे उठा रहा है, मैं इसको उठाऊंगी। अच्छा, तो सभा ने मुझे उठाया उसी कमर में, चुप पड़ गई। मतलब आपने दो हमारी एक्ट्रेस के कमर में लगे ये चुक वाली लग जानी आपने, यासिर साहब के साथ एक्टिंग में एक लड़की को चुक तो लाजमी पड़ती है। ना चुक वाली सरकार, चुप वाली सरकार के साथ, चुक वाली सरकार, अब एक लड़की को तो चुक डाल ही देते हैं सर, ऐसे तो ना करें आप हमारी प्यारी प्यारी हीरोइंस के साथ। नहीं, कमीका जी ने कहा कि तुम क्या चुके डाली जा रहे हो, नहीं वो पहली चुक तो इकरा से पहले की थी। अच्छा, इकरा को आपकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, या कहाँ कहते हैं या तो तुम वाकई मेरे हीरो लग रहे हो? इकरा को जावेद इकबाल बहुत पसंद है। अच्छा, और इकरा को आई थिंक लाहौर से आगे भी पसंद है। आपका बेटा आपकी एक्टिंग देखते है टीवी पे और एंजॉय करते है कबीर? नहीं, मेरे बेटे को अभी तक ये नहीं समझ आया वो, लेकिन कुछ टीवी पे अगर चल रहा हो जहाँ पापा आ रहे हो पहचान लेता है कि ये अब्बा है या ये अम्मा है, तो बोल देता है अम्मा अम्मा या अब्बा अब्बा जो उसे नजर आए। अच्छा अच्छा, पहला पहले जो है वो अब्बा बोलना सीखा था या अम्मा बोलना सीखा था? यार ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया। हाँ। ये देखिए जी, पहला बच्चा याद नहीं और पहले ये भी नहीं याद कि माँ बोला कि बाप नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा अब्बा तो तुम तो वैसे अल्लाह की कसम तलाक करवाने वाली माइयों की तरह ना, कि पहला बच्चा था पहला बच्चा और ये भी नहीं याद माँ बोला था, वो अन्ना चंगा भला चल रहे हैं यार, चल लो बहन, इनको तो यही याद नहीं, इन्हें तो तुम्हारी बर्थडे नहीं याद। नहीं, बर्थडे तो हमने ना वो इंग्रेव कराई है, वो मैंने पहले कर दिया। तो आपने कबीर के लिए सोचा कि ये भी एक्टिंग करे या कुछ, या उस पे छोड़ा वो जो करना चाहे? कबीर जो चाहे करे, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि वो एक्टिंग करे, लेकिन इसकी क्या वजह? आई डोंट नो, कोई इतना यहाँ पे फ्यूचर नहीं है एक्टर का, कोई करियर नहीं है, नहीं तो बाहर भी तो जा सकते हैं हर जगह पे, मतलब आप देखिए ऐसे तो ना करे लगे होते हैं, इतने इतने बजट्स होते हैं, देखिए देखिए एक्टिंग जो है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं, बस यही सोच से बहुत सारे एक्टर्स आए हैं और यही गलत है। ये एक्टर का काम बिलबोर्ड पे लगना और प्रमोशन करना नहीं है, एक्टिंग एक क्राफ्ट है ना, एक आर्ट की फॉर्म है। सिद्दीकी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्टर, मैं अल पचिनो की बात कर रहा हूँ, मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात कर रहा हूँ, मैं इरफान खान की बात कर रहा हूँ, मैं नसीरुद्दीन शाह की बात कर रहा हूँ, मैं नैयर एजाज की बात कर रहा हूँ, नुमान एजाज की बात कर रहा हूँ। तो एक्टिंग एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, अगर आप उसमें अच्छा काम करने को आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप जाया हैं, आप बर्बाद हैं। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप बेचारे कुड़ते ही रहेंगे कि यार ये क्या काम हो रहा है। आप क्यों नहीं इतना खुश होते इंडस्ट्री में कि यहाँ पे काम? यार देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छी अच्छी चीज़ों में, ठीक है। इन्होंने कहा ना कि आप हमेशा अलग से रोल्स करते हैं, आई डोंट नो इनको पसंद है कि नहीं पसंद है, बट आई थिंक मैं डिफरेंट कोशिश करता हूं कुछ अलग काम करने की। जो सब कह रहे हैं आप, मतलब आपको होता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हूं, हां स्टीरियोटाइप ना करूं काम के, कुछ अलग करूं, टिपिकल स्टोरी, किसी को कुछ डिफरेंट लगे वो अच्छा लगे। तो इसमें आपने कुछ सोचा हुआ है कि कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो और आप चाहते हो कि भाई ये एक्टिंग तो मैंने करनी है, ये रोल तो मैं एक दफा कुछ नहीं है मेरा कि मैं ये रोल करना चाहता हूं,
मुझे बस ये है कि मैं थोड़ा डिफरेंट काम करूँ जिसमें मैं रियल लगूँ, वो कैरेक्टर लगूँ जो मैं कर रहा हूँ। अब अगर ऐसा एक्टर भी, मेरा बेटा भी ऐसा ही हुआ तो यहाँ तो मौके ही नहीं है ऐसा काम करने के, तो वो क्या पूरे साल में एक फिल्म करेगा जब इकरा का स्क्रिप्ट आता है? हाँ, किस तरह चलेंगे? मैं तो वो हूँ कि मैं स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूँ, मैं होस्टिंग भी कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ। तो अगर वो सिर्फ एक एक्टर होगा और कुछ नहीं और कर सकता होगा तो वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। यासिर साहब, जब इकरा का कोई स्क्रिप्ट आता है या कोई ड्रामा वो उसमें एक्टिंग करना चाह रही होती है तो वो आपसे शेयर करती हैं, आप उनको भी कहते हैं कि ये वाला स्क्रिप्ट मत करो या ये कर लो? अगर वो मुझे पूछती है तो मैं अपनी राय दे देता हूँ, मैं कुछ तो नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा, वो आपने इनकार कर दिया, नेक्स्ट टाइम से उन्होंने पूछा ही नहीं, आप भी कर लेंगे? नहीं, वो अभी भी पूछ लेती है। आई थिंक इकरा जिस कैलिबर की एक्टर है ना, ये जो मीडियम है टीवी का, वैसे भी एक्ट्रेसेस का मीडियम है, ज्यादा उसमें लड़कियों के लिए रोल्स लिखे जाते हैं, लड़के बस होते हैं एक खास किस्म के कैरेक्टर में, या वो चीट कर रहा है या वो बहुत आशिक है, बस ये दो ही तरह के अमूमन रोल होते हैं ना। तो बाकी लड़कियों के कैरेक्टर्स होते हैं, मेन भी वही होती है, एक लड़की खड़ी रो रही है, साथ दो लड़के ऐसे करके खड़े हो रहे हैं, तो वो तो इकरा को और वो जिस कैलिबर की एक्टर है उसको अच्छे ही कैरेक्टर ऑफर होते हैं अमूमन, अच्छी स्टोरीज ऑफर हो रही होती हैं। अगर आप उसके पिछले सारे ड्रामे देखें तो जितने वो अच्छे ही ड्रामे थे, सारे अच्छे स्क्रिप्ट थे, अच्छे डायरेक्टर्स थे, अच्छे प्रोडक्शन हाउस हेल्प आउट लेती हैं वो, तो वो कभी पूछे तो मैं बता देता हूँ। इकरा जी के साथ शादी के बाद काम बड़ा बड़ा, मतलब पहले भी काम करते थे, इंक्रीज हो गया काम और आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिलने शुरू हो गए, ज्यादा मिलने या कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेम आप उसी पेस पे चलते रहे? मैं पहले भी कम काम करता था, मैं शादी के बाद भी कम काम करता हूँ। ठीक है, इकरा पहले ज्यादा काम करती थी, शादी के बाद उसने भी कम काम करना शुरू कर दिया, बस ये फर्क पड़ा, उसने काम कम करना शुरू कर दिया। तो इतने सब मतलब हेक्टिक रूटीन में आप भी जाते हैं शूट्स पे, कभी यूएस? नहीं, हम दोनों बहुत कम काम करते हैं, काम कम करते हैं। अभी यूएस भी हम अमूमन होता ही होगा ना कि आप इकट्ठे किसी शूट पे चले गए हो तो पीछे से वो छोटे को कौन संभालता है, ये तो नहीं, नहीं, हम जो है ज्यादातर साथ ही होता है, एक तो साथ होता है वो ज्यादातर, दूसरा इकरा की अम्मी और मेरी बहन, हम सब साथ रहते हैं तो वो घर में टेक केयर होती रहती है। बहुत कम ही होता है कि हम दोनों ही शूट पे जाएं, या वो शूट पे जाती है या मैं भी प्रमोशन पे हूँ तो वो घर पे। अच्छा, जब वैसे होता है, आपने जब करियर पैदा हुआ उसके बाद नैपी वगैरह भी चेंज करते हैं तो उस टाइम आप नहीं करते? मैं ही कही, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपने की वैसे? हाँ हाँ, मैं करता हूँ, मैं तो अभी तक कर लेता हूँ, अभी तक कर लेते हैं। हाँ, तो पहली दफा जब की तो कोई नोजिया शोजिया तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्योंकि मेरा भी वही हिसाब है ना, टक्साली गेट में हम सभी वो काम करते हैं, नौजिया क्यों होना है, नहीं वो ज्यादा करीब होता है ना, वो कोई नई चीज थोड़ी की है, बिल्कुल ऐसे करीब होता है ना, ये दुबदु हो रहा था बंदा उसके साथ, मुझे तो तुम्हारी पे नजर वीक है, थोड़ी दूर से किया करो। ठीक हो गया जी, तो अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि एक तो ये फिल्म रिलीज हो जाए 16 को, तो उसके बाद हम किसी और काम पे चलें। ठीक है, इसके प्रमोशन के लिए क्या क्या अभी आप कह रहे हैं, मतलब कौन कौन से सिटीज में हो आए हैं और कौन कौन से नहीं? अभी तो हम कराची लाहौर ही किया, बाकी सिटीज में जाना है। बाकी फ्यूचर प्लान जो है वो मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम है लो आई क्यू फिल्म, और उसके साथ अभी मैंने एक शो किया है यूट्यूब का, द पिक एंड ड्रॉप शो, बिल्कुल टोयोटा, स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा, जी जी, और उसी कंपनी ने वो प्रोड्यूस किया, मेरी अपनी कंपनी ने, तो बस उसके बैनर के नीचे कुछ डिफरेंट चीजें हमें फीचर फिल्म्स बनानी है, वेरी नाइस, सीरीज बनानी है। अभी एक फिल्म मैंने बनाई है जो फेस्टिवल के लिए, वो बहुत जल्द उसका ट्रेलर आएगा, और बाकी अब फीचर फिल्म की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ब्लेस यू यासिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, सुबह से जो बातें हो रही। अच्छा, वो ऐसी बातें नहीं थी। ये तो एक ठंडी हवा का झोंका था। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, आप 16 फरवरी को टकसाली गेट रिलीज हो जाएगी। आप लोगों ने करना है ये कि अभी से अपनी फैमिली की और सबकी टिकट्स बुक करा लें और 16 फरवरी को टकसाली गेट मैं और हाई तो देखने जाएंगे इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ। हमें तो थोड़ा सा ऑफ भी है, लेकिन आप लोगों ने टिकट खरीदना नहीं भूलनी। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हें ऑफ की बात नहीं है, ये तो पर्सनल बात थी, मतलब मैंने इनसे ऑफ लेना नहीं, इजाजत दें और टकसाली गेट पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।